है। तो आज हम करने वाले हैं इस स्टैंड की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने मंगाया है स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो मैं ड्राइंग की वीडियोज बनाता हूँ उसके लिए। तो चलिए फटाफट अच्छे से खोलते हैं। अभी अभी मैंने इसे ठीक किया है और हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। गाइस अब हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स रखे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास 5 अलग अलग पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका बेस पार्ट है, जो कि यहाँ पे हमारे टेबल के साथ अटैच हुआ। तो पहले हम इसको ऐसे तो गाइस अब हम इसे यहाँ पे, क्योंकि ये लूज है तो हम इसे ऐसे यहाँ पे रोटेट करेंगे और ये एकदम टाइट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे इस बेस पार्ट को अटैच कर दिया है और अब हमें इस मेन रोड को यहाँ पे अटैच करना होगा। तो ये रोड जो है ऐसे खुल जाती है क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक होलो ट्यूब है, इसको हमें इसके अंदर ऐसे अटैच करना होगा और इसके लिए हमें इसे सिंपली इसके अंदर फिक्स करना है ऐसे करके ऐसे। और गाइस यहाँ पे जो है, क्योंकि ये मूव होने के बाद हम इसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नट है। इस नट को हम यहाँ पे अभी अटैच करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होलो ट्यूब है ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसे सेट करना है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा होल है जिसके अंदर कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीनली फिक्स होता है, और इसको हमें यहाँ पे ऐसे करके फिक्स करना होगा और इसको एकदम टाइटन करना होगा, जिसके बाद कि हमारी जो रॉड है वो ऐसे ऐसे मूव नहीं होगी। ज़्यादा टाइट करने पर मूव नहीं हो रही है, देखिए बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही। तो गाइज अब ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे ऐसे जैसे मूव हो रहा है, तो क्योंकि हम इसे भी सेट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्ट है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। अगर अभी तो ये लूज है तो हम इसको ऐसे अप डाउन कर सकते हैं। फिर हमें इसको सेट करने के बाद इसे टाइट कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे टाइट कर दिया है, उसके बाद ये अप डाउन नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे भी हमारे पास एक लॉक है और साथ में ऊपर भी हमारे पास एक लॉक है जहाँ पे हमारा फोन स्टैंड लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोन होल्डर है और यहाँ पे हमारे पास एक टैबलेट होल्डर भी है। तो हम टैबलेट होल्डर को पहले चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें ऐसे खोलना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो बोल दे सकते हैं, इस बोल को हमें अपने हिसाब से डिसाइड करके और यहाँ पे इसको इसके अंदर फिक्स करना होगा। पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं, ऐसे करके हम इसको टाइट कर लेंगे और ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब देखिए इस वाले पार्ट को हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऐसे इसमें फिक्स करना होगा तो ये फिक्स हो जाएगा, पर उससे पहले हमें ये वाला पार्ट डालना है तो जोड़ भूल गए हैं, तो उसे वापस निकालना होगा। और अब पहले हम इस पार्ट को इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको अंदर फिक्स करके इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे बंद कर दें। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये रोटेट भी हो सकता है, यहाँ पे 360 डिग्री रोटेशन है इसमें, और यहाँ से इसको ऐसे करके हम यहाँ पे कोई भी वीडियो बना सकते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कैमरा लगा के कि वीडियो जो है कैसी दिखने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टैबलेट फिक्स करके देख लेते हैं कि वो कैसा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है हमारा टैबलेट और अब हम इसे सिंपली यहाँ पे फिक्स करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे खुल रहा है देखिए, और इसको ऐसे करके इसको फिक्स कर देंगे। तो गाइस ये कहीं भी जाएगा एकदम टाइटली है, और यहाँ से करके इसको अगर हम अपोजिट कर दें तो ऐसे करके हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, पर इसको अपोजिट करके फिर हम इसको वीडियो बना सकते हैं, या फिर अगर हम फोटो क्लिक करना चाहें तो हम किसी भी एंगल में से ले जाकर फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टैंड है ओवरहेड ड्राइंग्स के लिए और किसी भी ओवरहेड वीडियो के लिए, ये स्टैंड एकदम बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं
तो गाइस अब मैंने इस टैबलेट को ऐसे लगा लिया कि इसका कैमरा नीचे की तरफ है, और अब मैं आपको एक ड्राइंग दिखाने वाला हूँ और उसके साथ आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि आपको समझ आ जाए कि इसका ओवरहेड व्यू कैसा नजर है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है मेरे पास एक ड्राइंग जो कि मैंने रिसेंटली बनाई थी, और इस ड्राइंग की वीडियो लिंक आप देख सकते हैं जो कि मैं इसी कैमरे से इसी स्टैंड से बनाऊंगा। और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका ओवरहेड व्यू कैसा रहेगा। तो अभी स्क्रीन पे आपको जो फोटो दिखेगी वो इसका ओवरहेड व्यू। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि इसकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी आई है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस बॉक्स पे काफ़ी सारे और टाइप के इसी ब्रांड के बहुत सारे ऐसे होल्डर्स हैं जिसमें कि एक लैंप वाला भी आप बुक मंगा सकते हैं। मैंने वो नहीं मंगाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लैंप है जिससे मैं ड्राइंग ईजिली बना सकता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो यही खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक थैंक यू, बाय बाय।